प्रतापगढ़ में रानीगंज इलाके के जयरामपुर गांव निवासी एक महिला ने एसपी कार्यालय पहुंचकर मदद की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उसके मासूम बच्चों को उसके दूर के रिश्तेदार उठाकर ले गए। जब पीड़िता बच्चों को लाने उनके घर गई तो उनको मारा पीटा गया और भगा दिया गया। पीड़िता का कहना है कि उसके मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे से खाली नहीं है। पीड़िता का आरोप है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। पहले मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे को मेरे दूर के रिश्तेदार ने जबरन उठा ले गए हैं। जब मुझे पता चला कि हमारे बच्चे उस जगह पे ले जाके रखा गया है, जब मैं वहाँ गई तो मुझे मार पीट कर भगा दिया गया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ 2 साल से, पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना तो कहीं मेरा मुकदमा लिखा जा रहा है ना कुछ। 2 साल के बाद मेरा मुकदमा लिखा गया, उसके बावजूद भी ना तो कोई उसमें कार्रवाई की जा रही है, ना वो लोग कुछ किया जा रहा है। और हमारे हमें लगता है कि हमारे बच्चे का जान का खतरा है, और हमारे बच्चे ना तो किसी के पास नहीं है, वो किसी तीसरे के पास है, और उसको बंधक बना के जबरन रखा गया है। पीड़िता का ये भी कहना है कि थाना कोतवाली नगर में मासूम बच्चों को खोजने के लिए एक मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके बाद थक हार कर पीड़िता ने एसपी से मदद की गुहार लगाई।